आएंगे हम लोग ना। उस रोड से आते वक्त रुकेंगे। तो हे गाइस, मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ जयपुर। तो आज हम पहली ट्रिप करने वाले हैं, वो है नाहरगढ़। तो हम नाहरगढ़ की तरफ जा रहे थे तो बहुत सारे हमें पीकॉक्स भी दिखे, को आगे के वीडियो में दिखेंगे। शायद हमें 2 पीकॉक्स दिखे थे, हाँ यही रहे। तो हम जा रहे थे किले के अंदर और बहुत बड़ा रोड है बेसिकली। और हम पहुँच रहे थे ऑन 19 दिसंबर। और देख सकते हो आप मैं कितना बीमार हूँ, सब सर्दी वर्दी हो चुकी है मेरे को, फिर भी हम जा रहे हैं ट्रिप पर। मैंने वीडियो खींच लिया, फिर उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर फोर्ट के, देखते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया है अंदर, आप देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और ऑफ कोर्स एंट्री फीस देनी पड़ती है आपको, 50 रुपीज़ है शायद, या 100 रुपीज़ है। पार्किंग के भी देना पड़ता है शायद पैसा। ये तो आपके पास बहुत सारे शोज़ होंगे, पर उसके पहले ये नज़ारे देख लो यार, क्या ख़तरनाक नज़ारे। देखकर मुझे बहुत मज़ा आ गया, लिटरली ऐसा लग रहा था, मतलब क्या कहूँ यार, नो वर्ड। आगे आयना महल देखते गए, बहुत कुछ देखते गए, फिर आया ये शो। तो यहाँ एक मैजिक शो भी रहता है और ये डांस शो भी है, बेसिकली पपेट शो है ये। तो बहुत मज़ा आया हमको ये देखकर भी। आ गए हम गए फोर्ट की तरफ, शायद ये मेन फोर्ट था और शायद इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आपको पता चलेगा अंदर। शायद मैं वीडियो बना पाया कि नहीं, आई डोंट नो, बट बहुत कुछ है, मतलब मज़ा आ गया, मतलब देख के अंदर भी बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। अंदर जाने के बाद आपको बहुत सारे कमरे मिलेंगे, मतलब लिटरली मैं काउंट भी नहीं कर सकता, इतने सारे कमरे। और इतना ख़तरनाक लोकेशन, अगर आप ऊपर जाओगे ना, एकदम ऊपर चढ़ते चढ़ते मज़ा आ जाएगा। क्या लोकेशन दिखता है, पूरी सिटी, पिंक सिटी जयपुर कितनी अच्छी दिखती है, आप देखोगे। हमने जब पूछा हमारे ड्राइवर को कि ये बेसिकली ये महल किसका था, तो महल सारी रानियों का था, राजा यहाँ पर नहीं रहते थे, राजा कहीं और महल में, कोई और महल में रहते थे। ये सिर्फ रानियों के लिए बनाया गया था, इतना बड़ा महल, जस्ट वाओ। और अगर आप ऊपर से देखोगे तो भारी लोकेशन दिखेंगे और शायद आगे के किले भी दिखेंगे आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर का व्यू, टॉप फ्लोर का है। आई नो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि यार इतना है कि वो मतलब लिमिट से भी बाहर है यूट्यूब के, और ऑफ कोर्स आपके देखने के भी बहुत बड़ा है ये, आपको आराम से आकर देखना पड़ेगा। पर यार क्या कारीगरी है, क्या मतलब कितने सारे महल में दरवाजे हैं, कितने सारे विंडोज़ हैं, मतलब अनइमेजिनेबल। आगे आप अगर आओगे तो आपको वेपन्स भी दिखेंगे, यार बहुत सारे वेपन्स है, गन्स है, तोप हैं, भाले हैं, तलवारें हैं, क्या क्या नहीं। आगे जब आप जाओगे तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े कमरे, ऑफ कोर्स ये खाली है और रस्टी हो चुके हैं और जंग खा चुकी है इन पर। अरे यार मतलब कितने उस समय कितने बड़े बड़े होते होंगे, हर एक दरबार होता होगा, क्या क्या होता होगा उस समय में। और आप तक देख रहे हो शायद ये किसी का कमरा था, हाँ ये बहुत सारे रूम्स है, ये बहुत सारी मूर्तियाँ थी बेसिकली अंदर अंदर। तो उसमें कैसे खाना बनाते हैं, कैसे लोग खाना खाते हैं, कैसे वुमेन खाना खाते हैं, तो सब कुछ बताया गया इसमें। और फिर से लोकेशंस पर कमाल है। और मेरे पेरेंट्स बहुत थक चुके थे तो हमने बोला यार सबसे बड़ी तोप देख के जाएंगे, तो यह सबसे बड़ी तोप। और महलों में जाते हैं तो आगे आगे जाते हैं तो इतने अच्छे लोकेशन से, इतना अच्छा कार्विंग है वो बिल्डिंग्स का। और ऑफ कोर्स ये इतने भी पुराने नहीं है, एनो डोमिनी के हैं, एडी सेंचुरी जो है उसके हैं, और इतने अच्छे हैं, मतलब देखो यार कितनी अच्छी सीनरी। और यहाँ पर मंदिर भी है शायद, आगे जाने के अगर आप जाओगे तो मंदिर भी दिखेगा आपको। और हम कहें तो यार लोकेशन देखो आप खुद स्क्रीन पर, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है हमें, रियलिटी में कितना अच्छा लग रहा होगा। लिटरली आप माउंटेंस देख सकते हो और कितने अच्छे माउंटेंस के ऊपर, हिल्स के ऊपर। जैसे हम आगे आगे जाते हैं अपने वो गार्डन भी दिखता है, गार्डन है, और शायद आयना महल भी है जो सबसे स्पेशल है। लिटरली इतना अच्छा बताया टूरिस्ट गाइड ने कि मतलब मज़ा आ गया। और आगे आगे आप लोकेशंस देखो यार कितने अच्छे हैं, ब्यूटीफुल लोकेशंस।
नॉट इवन फॉरगेटेबल, लिटरली आंखों से देखते आप भूल भी नहीं सकते, इतने अच्छे लोकेशन से। बाकी हम गए तो म्यूज़ियम गए, तो म्यूज़ियम एकदम मस्त है, आप जाके देखो, बहुत कुछ है उसके अंदर और देख ही सकते हैं आप फोटोज़ में क्या क्या है। पर आप रियल रियलिटी में देखोगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा, आप जाकर देखो यार, बहुत अच्छा है। और फिर ये है म्यूज़ियम के आगे का भाग, ये शायद हम कहें आउटर लेयर, आगे से या बाहर से ऐसा दिखता है वो। और ये मेरी मॉम ने खींचा हुआ है वीडियो, तो यही है जो है, मतलब म्यूज़ियम के आगे का पार्ट है ये, और अंदर मम्मीज़ भी है जो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाए। आगे आगे हम महल के बारे में ही देख रहे थे, महल में गए हम, ऊपर गए, ऊपर से कैसा दिख रहा है ये, ऑफकोर्स मैंने थोड़े वीडियोस भी खींचे आपको दिखाने के लिए कि मैं हूँ ये, मैं शूट कर रहा हूँ मैं वीडियो। आगे आप महल का बहुत सारे लोकेशन देख सकते, एकदम फास्ट दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि यार बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फास्ट हम फास्ट दिखा रहा हूँ मैं। पर देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और फिर नेक्स्ट हम गए यहाँ पर, यहाँ मूर्तियाँ बनाते हैं, स्पेशली मूर्तियाँ बनाते हैं अच्छे अच्छे, तो रेडीमेड है बेसिकली ये, फिर अरे हाँ हैंडमेड है, हैंडमेड सॉरी। और यहाँ पर कपड़े भी बनाते हैं, मस्त बनाए गए हैं, फास्ट फॉरवर्ड है ये भी थोड़ा। आगे हम गए वर्ल्ड ट्रेड पार्क मॉल, इतना बड़ा है मॉल, फिनिक्स मार्केट सिटी से भी बड़ा है, आप जाओ देखो विजिट करो आपको मज़ा आएगा। तो ये आ गए अपन डे थ्री पे, जहाँ पर मैं अपनी रूम का टूर कर रहा हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि ये लास्ट डे है ऑफकोर्स, और ये अफसोस होता है यार। और ये है हमारा होटल कृष्ण पैलेस जो जयपुर में है, पानी पार्क में। देखो हम गए सिटी पैलेस, सिटी पैलेस इतना अच्छा है, ब्यूटीफुल है, ये भी देखने लायक है, मतलब क्या कहें, मतलब देखे बिना रहा नहीं जाएगा आपको, ये भी देखना। और बहुत अच्छी सर्विसेज है, बहुत कुछ है, हैंडलूम है, मूर्तियाँ है, बहुत कुछ है, आप जाकर ही देखिए। और बहुत अच्छे लोकेशन है ऑफकोर्स यार, जयपुर में सारे लोकेशन बहुत अच्छे हैं इंक्लूडिंग पिंक सिटी। और उसके बाद सिटी पैलेस के बाद हम गए जंतर मंतर, जहाँ पर क्लॉक्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, कैसे टाइम बताते थे उस समय में, तो इट्स इंटरेस्टिंग, गो एंड वॉच। और फिर ऐसे ही मैं वीडियो बनाते हुए की प्रूफ की मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, और बस कि मैं वहाँ था वो भी कह सकते हैं। तो यही है जंतर मंतर तो देखा, सिटी पैलेस के बाद हमने जंतर मंतर ही देखा, और यही ट्रिप का लास्ट था। ये है होटल कृष्णा पैलेस का रेस्टोरेंट, मतलब ओपन एयर रेस्टोरेंट है। और गाइस वेट 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 वेट, अब तक वीडियो खत्म नहीं हुई है, एक बोनस क्लिप आने वाला है आपके पास बहुत जल्द। साइज छोटा है और बॉल का साइज देखिए बड़ा है, बॉल हम यहाँ भेजने बंद कर देते हैं, एक दो तीन गिली गिली फूक मारो, बॉल इनके पेट में गया मुंह से बाहर आएगा। इस डिब्बे में हाथ डालो, चेक करो कुछ है तो नहीं, दोनों हाथ अपना पेट पे रखो, इस डिब्बे में जोर से खांसी कर रहा है, मुंह खोल के तो बॉल मुंह से बाहर आ जाएगा, ऐसा देखो इसी के साथ मेरा मैरिज फिनिश होता।